टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। कोरोना संक्रमण को रोकने एवं राज्य की जनता को कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाने हेतु राज्य सरकार ने 25, 26 और 27 मार्च को लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। उसी के तहत जनपद बुलंदशहर में भी 3 दिन 25, 26 और 27 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। हमारी समस्त जनपद वासियों से अनुरोध है कि अपने घर में ही रहें, आवश्यक सेवाएं या आवश्यक वस्तु लेने के अलावा घर से ना निकलें, जो जहां है वहीं रहें। आवश्यक वस्तु और सेवा की जहां तक बात है तो जिला प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक वस्तु दवाई हो, राशन हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो या पेट्रोल पंप का पेट्रोल हो, वह आपको मिलता रहे। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि लोग घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, ना एकत्रित हों, इसलिए इसे घर तक पहुंचाया जाए, ठेले के माध्यम से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमने अपर जिलाधिकारी न्यायिक ADMJ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। ADMJ मंडी समिति के प्रभारी हैं। इस संबंध में कोई भी कंप्लेन ADMJ को दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन बहुत सख्त है कि ऐसे लोग इस बुरी स्थिति में भी अगर कोई कालाबाजारी या जमाखोरी करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरस का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, संक्रमित वस्तुओं को छूने या संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने के समय उसका ड्रॉपलेट्स सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर पड़ने से होता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे के नज़दीक ना जाएं, भीड़ ना लगाएं। यही कारण है कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बार बार यह अनुरोध किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में भीड़ ना लगाएं, चाहे वह धरना प्रदर्शन के रूप में भीड़ हो या सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम के रूप में भीड़ हो या बाजार में ही भीड़ क्यों ना हो, क्योंकि वैसी भीड़ में जब व्यक्ति एक दूसरे के करीब आते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण का चांसेस बढ़ जाता है। परंतु फिर भी कुछ लोगों द्वारा लापरवाही की जा रही है, कुछ लोगों द्वारा बार बार शासन द्वारा निर्देश देने के बावजूद, बार बार अपील करने के बावजूद भी एक जगह जमा हुआ जा रहा है, भीड़ लगाया जा रहा है और इस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ावा देकर समाज को खतरे में डाला जा रहा है। प्रशासन इस पर बहुत सख्त है। आगे से अगर ऐसा कोई भी भीड़ दिखेगा, किसी भी तरह का भीड़ दिखेगा, अगले 3 दिन 25, 26 और 27 तारीख को जब लॉकडाउन है तो उनके खिलाफ मुकदमा करके सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण जिले के अन्य लोगों, पूरे समाज को खतरे में नहीं डाल सकता। हमें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि इस 3 दिन के लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे मजदूर होंगे जो सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया या खुर्जा पॉटरी या अन्य सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत होंगे, उन्हें छुट्टी पे भेजा जाएगा, उनका वेज लॉस होगा। उनके इस दिक्कत को देखते हुए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि ऐसे लोगों को सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी, मतलब इस छुट्टी के दौरान उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जनपद बुलंदशहर के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। अगर किन्हीं लोगों को इस तरह की कोई दिक्कतें होती हैं कि इस 3 दिन के बंद के दौरान उन्हें छुट्टी पे भेजा गया हो, घर में रखा गया हो, लेकिन उन्हें वेतन ना दिया जा रहा हो, तो वह मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाए जा रहे हैं। प्रशासन बहुत सख्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे करवाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे अफवाह के कारण लोगों में शांति भंग होती है, उनमें भगदड़ मचने की संभावनाएं रहती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।